भगवान जब भी खुश होते हैं तो वो आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके देते हैं इंसान को। इंसान उन मौकों को पहचान नहीं पाता है और धीमे धीमे वो अपने मन की करने लगता है, और जब इंसान अपने मन की करने लगता है तो इंसान भगवान को भूल जाता है और खुद को भगवान समझ बैठता है, और जब इंसान खुद को भगवान समझ बैठता है तो जो असली भगवान है उसके बताए हुए मार्ग से वो भटक जाता है और अपने द्वारा बनाए गए मार्गों पर चलने लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपके स्वयं के हाथ में कुछ भी नहीं है, आपको देने वाला भी ईश्वर है और आपसे लेने वाला भी ईश्वर है, तो आपको ईश्वर के इशारों पर ही चलना होगा। और ईश्वर के इशारे जनवरी 2022 में ये कह रहे हैं कि वो आपसे खुश होकर आपको सफलता के कुछ ऐसे संकेत दे रहा है जिन संकेतों में छुपा होगा शुभ लाभ। भगवान खुश है ये भगवान की मर्जी है। भगवान खुश भी अपनी मर्जी से होते हैं और नाराज भी अपनी मर्जी से होते हैं, क्योंकि भगवान के पास देखने की एक नहीं 100 आंखें हैं। वो हर एक आंख से आपकी हर एक गतिविधि पर नजर रखते हैं, और एक इंसान न जाने जीवन में कितनी गलतियां करता है, छोटी छोटी गलतियां करता है, बड़ी बड़ी गलतियां करता है। अगर भगवान उससे नाराज होकर उसे दंड देने लगे तो इंसान के जीवन से सुख नाम का शब्द शायद खत्म हो जाए। तो आपकी गलतियों को माफ करते हुए, आपके अपराधों को क्षमा करते हुए ईश्वर जनवरी 2022 में आपकी राशि के लिए ये 5 शुभ संकेत दे रहे हैं, इनका लाभ उठाइएगा। हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। आपको पहला शुभ संकेत प्राप्त होगा आपकी राशि के स्वामी शनि देव की कृपा से। लग्न में बैठेंगे शनि देव और षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होगा। षष्ठ योग का मतलब होता है शीघ्र आप सफल हो जाएंगे जो भी काम आप करते हैं। आपकी आयु लंबी होगी, आपके पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, परिश्रमी स्वभाव के होंगे आप, सही निर्णय लेने वाले महिला पुरुष होंगे आप, राजनीतिक क्षेत्र में बढ़िया सफलता प्राप्त होगी, समाज में बड़ा नाम और पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, आपको समाज में और घर में हर जगह पर यश और कीर्ति और सम्मान मिलेगा। सरकारी नौकरी, सरकारी काम, भूमि भवन वाहन का सुख शनिदेव आपको दे देंगे। कर्म अच्छे करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, धर्म कर्म में रुचि जगाएंगे, नौकरी व्यापार शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता पाएंगे। आपको जनवरी माह में धन संपत्ति प्रसिद्धि यश कीर्ति प्रमोशन ट्रांसफर बहुत बड़े बड़े लाभ शनिदेव दे रहे हैं, तो ये संकेत है आपके घर आने वाली खुशियों का। दूसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा जब बुध की कृपा आप पर बरसेगी, किस्मत एक बार फिर से जबरदस्त तरीके से चमकेगी। साल के पहले महीने में आप बहुत बौद्धिक रूप से काम करेंगे, मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे, आप हर परिस्थिति को आसानी से समझ जाएंगे, हर परिस्थिति के अनुसार आप बढ़िया काम करते हुए नजर आएंगे। थोड़े बातूनी हो सकते हैं लेकिन मिलनसार होंगे, अपनी बातों से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आप हमेशा बढ़िया मूड में रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अच्छा काम करते चले जाएंगे, दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे, विनोदी स्वभाव के होंगे, बढ़िया कूटनीतिज्ञ होंगे, प्रशासनिक कौशलता आपके अंदर कूट कूट कर भरी होगी, आप आगे चलते जाएंगे, सफलता आपके साथ साथ चलती जाएगी, ईश्वर की भक्ति भी करेंगे, नौकरी व्यापार में बॉस सीनियर अधिकारियों का भरपूर सहयोग भी पाएंगे और नई नौकरी के इंटरव्यू वगैरह में सफल होते हुए अपने घर परिवार में खुशियां लेकर आएंगे। आपकी आमदनी बढ़ने के रास्ते खुलते चले जाएंगे, आप अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित करेंगे और माहिर होंगे हर एक काम को सही तरीके से करने में, राजा की तरह होगी आपकी एक शानदार जिंदगी, महिलाएं भी राजयोग भोगेंगी। तीसरा शुभ संकेत प्राप्त होगा 6-7-8 तारीख को धन भाव में गज केसरी योग का निर्माण होगा।
इन दिनों में चंद्रमा और देव गुरु बृहस्पति आप पर कृपा बरसाएंगे। धन के कारक ग्रह धन भाव में हो, मन और मस्तिष्क को नियंत्रण करने वाले ग्रह चंद्रमा का आशीर्वाद हो तो व्यक्ति अपनी सोच से बुद्धि से आगे बढ़ता चला जाता है। विभिन्न क्षेत्रों में आप लाभ कमाएंगे, धन की कमी महसूस नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, धन आता जाएगा और आप धनवान होते चले जाएंगे। शिक्षा, बिजनेस, नौकरी, परिवार, वाणी संबंधी क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी, आप बहुत सफल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। मित्र आपके आपके काम आएंगे, आप मनी माइंडेड होंगे, पैसा कमाने के लिए दिमाग लगाते चले जाएंगे, पैसा आता चला जाएगा। पैसा कमाने के लिए जो सपने देखे होंगे वो सपने पूरे हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति में बड़ा हिस्सा प्राप्त होगा। बुद्धिमान, ज्ञानवान, मृदुभाषी होंगे, बड़े बड़े अधिकारियों से जान पहचान होगी। शहर के बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना होगा। ससुराल से लाभ हो सकता है अगर आप विवाहित हैं तो। छोटे बड़े सभी सांसारिक सुखों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हुए एक ऐशो आराम की जिंदगी आप जिएंगे गज केसरी योग के बनने के कारण। गज का मतलब होता है हाथी और केसरी का मतलब होता है सिंह। सिंह और हाथी दोनों ही जंगल के राजा हैं, दोनों ही बलशाली हैं और जहां पर ये दोनों होते हैं वहां पर तकलीफें नहीं होती हैं। हाथी अपने पैरों में बड़ी बड़ी मुसीबतों को दबाता हुआ मस्त चाल में आगे निकल जाता है और सिंह जहां पर होता है वहां पर मुसीबतें चार को दूर खड़ी होती हैं, यानी कि सर्वस्व राज होता है आपका। तो एक शुभ संकेत, 6-7-8 तारीख को आपको बहुत सारी लाभ की चीजें दिखाएगा और लाभ ही लाभ जीवन में आएगा। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और धनवान भी रहेंगे। अब हम बात करेंगे चौथे शुभ संकेत की। तो 14 तारीख से सूर्य लग्न में होंगे और आपके विश्वास को और बढ़ा देंगे, किस्मत के सितारे को चमका देंगे, ग्रहों के राजा का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप जनवरी माह में सूर्य के शुभ प्रभाव से सभी प्रकार की बाधाओं का विनाश करते हुए जीवन में जितने भी अंधकार हैं उसमें प्रकाश की रोशनी को जगाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने कामों से दूसरों को प्रभावित करेंगे और सफल रहेंगे। आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे, खुद पर विश्वास करेंगे और बड़ी बड़ी कामयाबी पाएंगे। सफल सरकारी अधिकारी होंगे, प्राइवेट नौकरियों में भी उच्च स्तर की सफलता होगी। आप काम, नाम और काम कमाते चले जाएंगे। बढ़िया शानदार राजनीतिक जीवन होगा, सरकार से धन लाभ होगा, ईमानदार और धनी होंगे। बड़े बड़े लोग आपके आसपास आना चाहेंगे, आपसे संबंध बनाना चाहेंगे, आपकी छवि बढ़िया बनती चली जाएगी, विश्वास लोगों पर जमता चला जाएगा और आप बढ़िया सफलता पाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे और सूर्य की तरीके से आपका सितारा भी चमक जाएगा। सरकारी काम, सरकारी नौकरी, सरकारी पढ़ाई, सरकारी क्षेत्र में विशेष सफलता मिल जाएगी और पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा और पिता से आशीर्वाद के रूप में अनुभव, धन और ज्ञान प्राप्त होगा। पांचवें शुभ संकेत की बात करें तो शुक्र 12वें भाव में बैठकर शुभ फलों की वर्षा करेंगे। आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, धन आएगा, बहुत आएगा, इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप धन का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाएंगे और पैसे को खर्च कर देंगे। विदेश जाने के योग बनेंगे, सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए खूब पैसा कमाएंगे। विवाह शीघ्र हो सकता है, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बन सकता है, प्रेम संबंध बन सकते हैं। खान पान पर ध्यान दें, विवाहित हैं तो जीवन साथी की कद्र करें। शुक्र जीवन में सुख लेकर आ रहे हैं, पैसा लेकर आ रहे हैं, वैभव लेकर आ रहे हैं। ध्यान ये रखिएगा कि पैसा बचाने के रास्ते ढूंढिएगा, पैसा आने के रास्ते भगवान ने बहुत खोल दिए हैं। छठे शुभ संकेत की बात करें तो 14 तारीख से 31 तारीख तक बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। प्रथम भाव में आप बहुत तेज बुद्धिमान होंगे और हर छोटी से छोटी चीज को समझकर, जानकर सही निर्णय लेकर अपने जीवन में प्रकाश लेकर आएंगे और सफल होते चले जाएंगे। ये वक्त होगा जब रुका हुआ पैसा मिलेगा, सफलताएं मिलेंगी, प्रमोशन मिलेंगी और आप बहुत तेज बुद्धि से आगे बढ़कर अपने हक का सारा सुख ले लेंगे इस ब्रह्मांड से।
आप सम्मान के साथ अपने तेज दिमाग के साथ आगे बढ़ेंगे और बड़ा मान सम्मान, पैसा, रुतबा, शौकत, शान और शौकत कमाते हुए एक बढ़िया इंसान की जिंदगी जिएंगे जहां पर लोग आपकी तारीफ करेंगे। एक और शुभ संकेत है, वो है सातवां शुभ संकेत, शनि और बुध की युति आपके लिए लाभकारी रहेगी। आप इतिहास लिखेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो इतिहास में अमर हो सकता है, अच्छे इतिहासकार हो सकते हैं, प्रकाशक हो सकते हैं, आलोचक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, व्यापारी हैं, तो जबरदस्त लाभ कमाएंगे और बड़ी बड़ी सफलता भी पाएंगे। तो मकर राशि वालों के लिए ये शुभ पांच संकेतों की बात कही थी हमने, लेकिन यहाँ पे सात संकेत निकल कर आते हैं, तो जनवरी महीना कहीं ना कहीं आपके लिए विशेष लाभकारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप जनवरी महीने का भरपूर आनंद उठाइए और ईश्वर के द्वारा दिए गए इन पांच संकेतों को आशीर्वाद के रूप में अपना कर सफलता की सीढ़ी चढ़ जाइए। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता तनिक भी नहीं होगी और आप देखेंगे जनवरी माह में आप इतिहास रच देंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर कोई समस्या, कोई परेशानी है तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम, नमस्कार और नववर्ष की शुभकामनाएं।